हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे चरक पूर्वार्ध में विमान स्थान में चरकाचार्य जी ने विश्वचिका और अलसक ऐसे दो विषयों के बारे में विचार विमर्श किया है। तो चरकाचार्य जी विश्वचिका यानी क्या और अलसक जिसे दंडालसक बोला गया है, तो विश्वचिका के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। जो आम होता है, कोष्ट में आम का तैयार होना यानी विश्वचिका, यानी मुख मार्ग से लेकर गुद मार्ग तक यानी पाचन संस्थान में जो आम तैयार होता है, जो अजीर्ण के कारण आम तैयार होता है, वह गुद मार्ग से लेकर मुख मार्ग से लेकर गुद मार्ग तक जो पाचन संस्थान है उसमें जो आम तैयार होता है उसे विश्वचिका कहते हैं। ये क्यों तैयार होता है तो चरकाचार्य जी ने बताया है कि अहित आहार विहार के कारण, अजीर्ण के कारण। अगर किसी को अजीर्ण हुआ है और वह पुनः पुनः भोजन कर रहा है तो उसकी अग्नि विकृत होके आम तैयार करेगी, यानी आम यानी अपक्व अन्न। अपक्व अन्न जब तैयार हो जाता है कोष्ठ में तो वहाँ या तो ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकलता है या अधोमार्ग से बाहर निकलता है, यानी उसके निकलने के मार्ग दोनों हो सकते हैं, या ऊर्ध्वमार्ग में मुख से यानी वमन होके या उल्टी होके बाहर निकलेगा, या फिर डायरिया के रूप में वो गुदमार्ग से बाहर निकलेगा, उसे विश्वचिका कहते हैं। उसको अपन सादे से भाषा में अपन डायरिया या डिसेंट्री कह सकते हैं। ये आशुकारी है यानी शीघ्र है, इधर सुबह खाना खाए वो पचा नहीं तो चार घंटे के अंदर पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो जाता है, इमीडिएट उधर में वेदना चालू हो जाती है, या तो उल्टी हो जाएगी या सड्डास हो जाएगी, या ऊर्ध्वमार्ग से वो आम निकलेगा या अधोमार्ग से बाहर निकल जाएगा, उसे चरकाचार्य जी ने विश्वचिका कहते हैं। मॉडर्न में उसे अपन डायरिया या डिसेंट्री या ओमेटिंग इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी यह आशुकारी है, इधर खाए दो घंटे में विकृति चालू, तीसरे घंटे में इसका लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं और वहाँ शरीर से या ऊर्ध्वमार्ग से या अधोमार्ग से निकल जाता है। तो इसकी चिकित्सा भी बहुत कठिन होती है, या असाध्य भी बोला गया है। इसलिए कठिन होती है कि उसमें आम को पचाने के लिए उष्ण ट्रीटमेंट देना होता है, यानी उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना होता है। अगर उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करें तो वहाँ विष बढ़ सकता है, वहाँ चिरकालीन हो सकता है, और शीत ट्रीटमेंट दिए तो यह अग्नि को शांत करेगा यानी कफ को बढ़ाएगा, आम को बढ़ाएगा। तो इसमें उष्ण ट्रीटमेंट दे गए अपन उस विष को बढ़ा भी सकते हैं, उसको शरीर में प्रसारित करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, और शीत ट्रीटमेंट देने के कारण वो आम बढ़ सकता है, वो एक डर लगा रहता है। इसलिए यह विश्वचिका की ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन बात हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट बहुत सोच समझ के किया जाता है। जैसे चरकाचार्य ने बोला है कि अजीर्ण भेषजम वारी, अजीर्ण हुआ तो वारी यानी जल, जल यह भेषज है यानी औषध है, लेकिन कौन सा जल? अजीर्ण हुआ तो आप अगर ठंडा पानी पीते हैं तो वो अजीर्ण को और बढ़ाएगा, अजीर्ण हुआ तो गर्म पानी पीते हैं तो अग्नि को वृद्ध करेगा, अजीर्ण को पचाएगा और उस रोग को शांत कर सकता है। इसलिए अजीर्ण में गर्म पानी यानी उष्ण जल ही उसकी औषध है, उसकी ट्रीटमेंट है। तो यहाँ ट्रीटमेंट करते हुए भी उष्ण और शीत वीर्य यहाँ देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ हो गया विश्वचिका जिससे कोष्ठाश्रित रोगों बोल सकते हैं अपन, और उसकी ट्रीटमेंट करते हुए वैद्य ने बहुत सावधानी से
विचार विमर्श करके उष्ण और शीत का विचार करके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, यह असाध्य बोला गया है। अब दूसरी बात विशेषज्ञता की बात, अलसक, ऐसे चरकाचार्य जी ने एक रोग का वर्णन किया है अलसक। अलसक यानी अपने शरीर के अंदर जो आहार लेते हैं वह अग्नि अगर मंद हुई तो वह आहार को प्रॉपरली पचा नहीं पाएगा, और प्रॉपरली अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो उससे आम की उत्पत्ति हो जाती है, और वह आम न ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकलता है न अधोमार्ग से बाहर निकलता है, तो वह शरीर में धीरे 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 वह विष के रूप में अपने शरीर में शाखाश्रित हो जाता है, वह तिर्यक गति से शाखा में चले जाता है। वह दंड, वह अलसक, उसे अलसक बोला गया है। तो वह जो आम दोष है वह आम दोष न ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकलता है न अधोमार्ग से नीचे से बाहर निकल जाता है, तो वह आम धीरे 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 संचित होके वह शाखा में कोष्ठा में संचित होने के बाद धीरे धीरे वह शाखागत हो जाता है, कहीं हृदय में चले जाएगा, कहीं लीवर में चले जाएगा, कहीं लंग्स में चले जाएगा, कहीं अतड़ियों के अंदर घुस जाएगा, कहीं संधियों में चले जाएगा, तो कहीं ब्रेन में चले जाएगा, और वहाँ पूर्ण शरीर में जहाँ जहाँ स्थान संचरित होता है वहाँ वहाँ वो रोग उत्पन्न करता है। धीरे धीरे वो नर्वस सिस्टम में जाएगा और ब्रेन के ऊपर आघात करके, या ब्रेन के ऊपर अगर वह आम चला गया है ब्रेन के अंदर, तो वह शरीर में कन्वर्जन्स तैयार हो जाएंगे जिसमें शरीर कड़क हो जाएगा। चरकाचार्य जी ने इस अलसक को दंडालसक इसलिए बोला है कि दंड के समान शरीर कड़क हो जाता है, शरीर स्टीफ हो जाता है, शरीर में थोड़ा थोड़ा कन्वल्शन आ जाते हैं, यानी नर तक वो आम पहुंच जाता है और नर्वाइनल सिम्टम्स तैयार हो जाते हैं जिससे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर स्टीफनेस आ जाता है, कन्वल्शन आ जाते हैं, दंड के समान कड़क हो जाता है, यानी यह रोग शाखागत हो जाता है, यह आम शाखागत हो जाता है और किसी अलग अलग रोगों में वो रूपांतर कर लेता है, जिसे अलसक बोला है, जिसे दंडालसक बोला है। तो विशिष्टता और अलसक में अभी आप डिफरेंस समझ पाए होंगे, यह विशिष्टता है या आशुकारी है, तुरंत तैयार होता है और तुरंत शमन भी हो जाता है क्योंकि ऊर्ध्व या अधोमार्ग से विशिष्टता का आम निकल जाता है, लेकिन अलसक ऐसा एक क्रॉनिक डिसीज बन जाता है, क्रॉनिक ऐसा आम बन जाता है जो आम शरीर में शाखागत जाके अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म देता है, अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है, जिसे अपन अलग अलग नाम से जाना जाते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, रीनल फेल्यूअर, ब्रेन फेल्यूअर, पैरालिसिस, ऐसे अनेक ऐसे अपने जो शाखागत जो अंग है उसमें जाके यह दोष अपना स्थान संचय करके उस स्थान में विकृति तैयार करता है, उस स्थान में रोग तैयार करता है, तो उसकी चिकित्सा देने में मुख्यतः इसमें स्नेहन प्रथम करना चाहिए, उसके बाद स्वेदन करना चाहिए, और ऐसे शाखागृत दोषों को निकालने के लिए पहले कुष्ठ में लाना पड़ेगा, मतलब स्नेह पान करके उसको स्वेदन करके उस दोषों को कुष्ठ में लाके पंचकर्म के द्वारा, मतलब वमन के द्वारा या विरेचन के द्वारा शरीर को बाहर निकाला जाता है। तो अलसक की ट्रीटमेंट करते हुए अपने को स्नेहन, स्वेदन, वमन या विरेचन के द्वारा वह आम दोष को शरीर से बाहर निकालते हैं, यह अलसक की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो विशिष्टता की ट्रीटमेंट में वह अवरोध निर्माण करता है वह आम, तो मुख्यतः उसमें नमक, सेंधव नमक या गर्म पानी यह पिला के उसको वामक द्रव्य के द्वारा वमन करा के उस दोष को निकाला जाता है। जैसे अजीर्ण हुआ तो कुछ नहीं, उंगलियां मुंह में डाल दो और बढ़ाबड़ उल्टियां कर दो, आपका पेट के अंदर का जो आम दोष है वो निकल गया, तो ना आपको फिर लूज मोशन होगी, ना पेट में वेदना होगी, ना कुछ होगी। वमन द्वारा विशिष्टिका के आम को निकाला जाता है
तो अलसत के आम को, क्योंकि वो शाखाग्रत हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए अपने को स्नेहन, स्वेदन, फिर उसको दोषों को कोष्ठ में लाके, फिर वमन के द्वारा या विरेचन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो विशुषिका और वमन, अलसत, ये दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, वो समय समय आप उसके लक्षणों को जान के उसके ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।